हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोगों के लिए बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है, सो आप सब जो है उन वीडियो को भी जरूर देखें। जो है इससे क्या होगा कि आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आज का यह प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही हूबहू आपके एग्ज़ाम के बेस पर बनाया गया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 90 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है डार्विन, ऑप्शन नंबर बी है डेहरेन डार्क, ऑप्शन नंबर सी है सी राइट मिल्स, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है समनर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वे डार्विन है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है डेरेन डार्फ, ऑप्शन नंबर बी है सी राइट मिल्स, ऑप्शन नंबर सी है समनर, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है हर्बर्ट स्पेंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेरेन डार्फ। यानी कि क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के लेखक डेरेन डार्फ हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा थर्ड प्रश्न है, दी पावर एलीट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी पावर एलीट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है समनर, ऑप्शन नंबर बी है डेरेन डार्फ, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सी राइट मिल्स, और ऑप्शन नंबर डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी राइट मिल्स ने। दी पावर एलीट नामक पुस्तक सी राइट मिल्स ने जो है लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, फोक वेज पुस्तक के लेखक कौन है? फोक वेज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सी राइट मिल्स, ऑप्शन नंबर बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर सी है समनर, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आर के मर्टन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समनर। फोक वेज पुस्तक के लेखक समनर हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है आर के मर्टन, ऑप्शन नंबर बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर सी है सी राइट मिल्स, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है समनर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हर्बर्ट स्पेंसर हैं। आज हमारा अगला प्रश्न है, सोशल स्ट्रक्चर एंड इनॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल स्ट्रक्चर एंड इनॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है समनर, ऑप्शन नंबर बी है आर के मर्टन, ऑप्शन नंबर सी है समनर, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सी राइट मिल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर के मर्टन। सोशल स्ट्रक्चर एंड इनॉमी नामक पुस्तक के लेखक आर के मर्टन है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सी राइट मिल्स, ऑप्शन नंबर बी है मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है हमारा किंग्सले डेविस, और ऑप्शन नंबर डी है आर के मर्टन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आर के मर्टन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है आर के मर्टन। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन नामक पुस्तक के लेखक आर के मर्टन है। आज हमारा अगला प्रश्न है, एंशियंट ला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सी राइट मिल्स, ऑप्शन नंबर बी है सर हेनरी मैन, ऑप्शन नंबर सी है किंग्सले डेविस, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आर के मर्टन।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर हेनरी मैन, यानी कि एंशियंट ला नामक पुस्तक के लेखक सर हेनरी मैन है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सी एच मीड, ऑप्शन नंबर बी है एफ जी बेली, ऑप्शन नंबर सी है किंग्सले डेविस और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आर के मर्टन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जी एच मीड। कौन है? जी एच मीड, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक जी एच मीड है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है? द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है आर के मर्टन, ऑप्शन नंबर बी है एफ जी बेली, ऑप्शन नंबर सी है जी सी होमन्स और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जी एच मीड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जी सी होमन्स। द ह्यूमन्स ग्रुप पुस्तक के लेखक जी सी होमन्स है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ को जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं उनके पीडीएफ जो है वहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए रेगुलर जो है यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी सोशियोलॉजी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, जिसे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आप लोग जो है मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज हमारा अगला प्रश्न है, कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है जी एच मीड, ऑप्शन नंबर बी है आर के मर्टन, ऑप्शन नंबर सी है एफ जी वेली और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है रॉबर्ट वीरस्टीड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एफ जी बेली। ठीक है, कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर नामक पुस्तक के लेखक एफ जी बेली हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सोशियल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है जेपी मर्डाक, ऑप्शन नंबर बी है आर के मर्टन, ऑप्शन नंबर सी है एफ जी बेली और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है रॉबर्ट वीरस्टीड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जी पी मर्डाक। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक जी पी मर्डाक हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है डार्विन, ऑप्शन नंबर बी है मैकाबर एवं पेज, ऑप्शन नंबर सी है सी राइट मिल्स और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है समनर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैकाबर एवं पेज, यानी कि सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक मैकाबर एवं पेज हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है जी एच मीड, ऑप्शन नंबर बी है एफ जी बेली, ऑप्शन नंबर सी है किंग्सले डेविस और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आर के मर्टन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किंग्सले डेविस। ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक किंग्सले डेविस हैं। आज हमारा अगला प्रश्न है, द सोशियल ऑर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जी पी मर्डाक, ऑप्शन नंबर बी है आर के मर्टन, ऑप्शन नंबर सी है एफ जी बेली और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है रॉबर्ट वीरस्टीड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रॉबर्ट वीरस्टीड। द सोशियल ऑर्डर नामक पुस्तक के लेखक रॉबर्ट वीरस्टीड हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, द डेथ ऑफ द फैमिली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है डेविड कपूर, ऑप्शन नंबर बी है एल एच मार्गन, ऑप्शन नंबर सी है जी सी होमन्स और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जी एच मीड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेविड कपूर। द डेथ ऑफ द फैमिली नामक पुस्तक के लेखक डेविड कपूर हैं। आज का हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
आज का हमारा अगला प्रश्न है, सिस्टम्स ऑफ कंसर्न यूनिटी एंड इफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए दिए गए हैं आर के मर्टन, ऑप्शन नंबर बी है एफ जी बेली, ऑप्शन नंबर सी है एल एच मार्गन और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जी एच मीड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एल एच मार्गन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एल एच मार्गन। सिस्टम्स ऑफ कंसर्न यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली नामक पुस्तक के लेखक एल एच मार्गन है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किनशिप एंड सोशियल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है एल एच मार्गन, ऑप्शन नंबर बी है जी एच मीड, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर रिवर्स और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ईवांस प्रिचार्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर रिवर्स। ठीक है, किनशिप एंड सोशियल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर रिवर्स। किनशिप एंड सोशियल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर रिवर्स हैं। आज हमारा अगला प्रश्न है, किनशिप एंड मैरिज अमंग द न्यूर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है एल एच मार्गन, ऑप्शन नंबर बी है जी एच मीड, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है डॉक्टर रिवर्स और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ईवांस प्रिचार्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ईवांस प्रिचार्ड, यानी कि किनशिप एंड मैरिज अमंग द न्यूर नामक पुस्तक के लेखक ईवांस प्रिचार्ड हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, वी द टोकोबिया सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ किनशिप इन प्रिमिटिव पोलिनेशिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एल एच मार्गन, ऑप्शन नंबर बी है रेबंड फर्थ, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आर फर्थ और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जी एच मीड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेमंड फर्थ। वी द टिपोकिया सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ किनशिप इन प्रिमिटिव पोलिनेशिया नामक पुस्तक के लेखक रेमंड फर्थ हैं। आज हमारा अगला प्रश्न है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक जो है किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए है एस सी दुबे, ऑप्शन नंबर बी है बृजराज चौहान, ऑप्शन नंबर सी है एमन श्रीनिवास और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है योगेंद्र सिंह। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप लोगों से जो है पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था, जिस क्वेश्चन का कई लोगों ने सही जवाब दिया था। जिन लोगों ने सही जवाब दिया था वे हैं कार्तिकिया, सोनिया मौर्य, आकांक्षी सिंह, राज वर्मा, इंदु यादव, श्वेता और प्रीति उर्मिला, आकांक्षा नेहा, बंटी मौर्य और आराधना, सुधा यादव, अंकित राय, अमिता तिवारी, विदुषता एक हैं विनोदशा, मुनेश और डब्लू कुमार, परमेंद्रा राय, छोटे लाल, अंजू सैनी और मनु गुप्ता, अनुभव पांडे, गौरव सिंह, माही शर्मा, राज वर्मा, ज्योति गुप्ता, अर्चना श्रीवास्तव, राजेंद्रा यादव और एक हैं प्रेम बंधानी गुप्ता, अंकुश पांडे, आरडी वर्मा और एक हैं फरियान खान, विनोदशा और हैं विवेक तिवारी, अनुराग आर्या, नीतू कुमार और एक हैं रेनु बानो और एक हैं अनुभव पांडे, सुशील कुमार, अंजू वर्मा, आंचल सक्सेना, अदिति सिंह, मनोज वर्मा और एक है हमारे अंकिता वर्मा और रत्नेश कुमार, आंचल सक्सेना, विनीत सनी और अंजू पांडे, वैशाली गुप्ता, परमेंद्रा राय, रानू, रोहित बेबी डॉल, सुशील कुमार, मनु गुप्ता, राज वर्मा यानी कि और लास्ट में हमारी स्नेहा गुप्ता, यानी कि इन सभी ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एमएन श्रीनिवास ने। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है जो है एमएन श्रीनिवास। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 पुस्तक के लेखक एमएन श्रीनिवास हैं। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो जो है निम्नलिखित हैं, जैसे मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया, इंडियाज विलेज,
कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया द डायमेंट कास्ट एंड अदर एसेसेज और है द रिमेंबर्स विलेज, यानी कि ये सभी जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये सभी पुस्तक एम एन श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है वृजराज चौहान, ऑप्शन नंबर बी है एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर सी है योगेंद्र सिंह और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है के एम कपाड़िया। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको सेम ऐसे ही यानी कि बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप्स के सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे क्या होगा कि हम आप लोगों के लिए एमसीक्यू बेस्ड जो है बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड, समाज शास्त्रों की प्रमुख अवधारणाओं से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को जो है प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।